regarding that, Tommy, will he be able to get that one video? Yes, it yes. One way to first. नहीं मिला पहले फायर में दूसरे फायर में. बड़े अच्छे वंडर्स की यहाँ पर मैं अब उम्मीदें रखता हूँ इस टीम से. रेगल टॉस, मवी, साथ में स्काउट और अम्मा नो के, तो कॉम्बिनेशन तो मेरे हिसाब से मुझे ये भी बहुत अच्छा चलता है. देखिए, बीइंग एन एनालिस्ट, हर एक प्लेयर का स्टैट्स मेंटेन करना मेरा काम है. बट एक पुश आना स्टार्ट हो चुका है. अब लेफ्ट हैंड छोर पे देखो, डेस्ट्रो यहाँ पे निकल चुके आगे. रेगल टॉस की बात करें तो उनकी पोजीशन रिवील अगर हो गई तो स्काउट यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे उनके सामने आने वाले, स्काउट के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं ऑरेंज के दो प्लेयर्स. आई थिंक डेस्ट्रो को नहीं है इस चीज की इंफॉर्मेशन की स्काउट उनका सीढ़ियों पर वेट कर रहे हैं. पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है. एक सरप्राइज अटैक यहाँ पर प्लान है. स्काउट यहाँ पर अभी के लिए ग्रेनेड करने वाले हैं, जो कि शायद कनेक्शन ढूंढ सकता था, बट अपनी पोजीशन रिवील कर दी. पावर शी गोस डाउन. स्काउट हैविंग दैट टॉमी, विल ही बी एबल टू गेट दैट वन वीडियो? यस इट यस. वन वे टू फॉर स्काउट. वो एक्सी गोस डाउन, डेस्ट्रो गोस डाउन. सरप्राइज अटैक जो प्लान था वो यहाँ पर ऑन पॉइंट तरीके से एग्जीक्यूट करके जाते हुए, जो शॉट यहाँ पर टीम सोल को चाहिए थी वो ऑलरेडी मिल चुकी है. आदित्य की अगर आप बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर क्लच करने की क्षमता रखते हैं. अभी बहुत देरी नहीं हुई है. ऑरेंज रॉक जब तक पूरे तरीके से एंड ना हो जाए, आप लगा लो कि खतरा अभी टला नहीं है. बिकॉज इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. बिल्कुल, अगर ये पॉइंट आपने काफी. और अभी नॉक निकला है स्कारल से, तो कह सकते हैं कि लकी साबित हुए. जो बान हाउस की तरफ ये रुके हुए थे, डबल वेयर हाउस की तरफ रुके हुए थे, वहां पर इनको जरूर से एक बढ़िया स्कारल वेपन मिल चुका है. जहां पर रेगल टॉस अभी के लिए अग्रेस करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं. आदित्य का पीओ यहां पर चेक करना चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा टीवी पे एंगल उनके पास है. सरप्राइज अटैक यहां पर कर सकते हैं. जाते जाते क्या दो से ज्यादा प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करेंगे, क्या पूरा क्लच कर सकते हैं, या फिर ऑरेंज रॉक के लिए ये अपसेट होने वाला है? बिकॉज गिल यहां पर नॉक ऑन द स्पॉट यहां पर करता है. एक बार फिर से काफी ज्यादा लो हो चुके हैं. थ्री पॉइंट्स आर एक्चुअली ऑन पॉइंट. Aditya holding his nerves, but he's taking his chances and waiting at the right spot for rest of those players from Team Soul to pounce on them, to attack on them. But eventually, he's actually taking that TPP from the stairs, but he's coming out of nowhere. Regatos coming from that balcony region. Skarel ke saath UMP yahan par rahegi, but charon taraf se ghere liye gaye. Aditya ke liye yahan par bhi bahut zyada option bachta nahi hai. Jahan ja rahe hain, far damage lag rahe hain. The journey for Orange Rock came to an end for this third match. But what a fight we had. I think ये रहता है total entertainment. ऐसी fights ना आपको scrims में कम tournaments में ज़्यादा मज़ा देगी. काफ़ी मुश्किल है. Meanwhile अगर आप team zone की बात करेंगे तो वहाँ पर fight काफ़ी जबरदस्त निकल कर आ चुकी है. मवी यहाँ पर बचे हुए, scout को यहाँ पर भी के लिए heal करना पड़ेगा. TSM FTX के साथ उनकी fight है, जहाँ पर भी number advantage काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी भी नजर आ रही है. scout ने यहाँ पर भी के लिए revival छोड़ के attack करना ज़्यादा ठीक समझा है. सामने से वहाँ पर shadow आ जाएंगे. 1v1 की fight रहेगी. क्या मवी यहाँ पर अपनी टीम के लिए कुछ बढ़िया finish point run करके जा पाएंगे? M4 और Micro Uzi का एक बढ़िया combination of और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वॉटर सिटी पर इतनी अच्छी लूट हर बार नहीं भी मिल पाती है. बिल्कुल, यहाँ पे बात करें तो मवी लास्ट मैन स्टैंड कर रहे हैं. सामने से ब्लेज की बात करें, स्लो में आ चुका है. माइक्रो उसी रहेगा, प्लस पॉइंट है यहाँ पे. मवी का कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा. कनेक्शन नहीं मिला पहले फायर में, दूसरे फायर में भी आप बात करें कनेक्शन मिलेगा. डॉट नहीं यहाँ पे होना था, लेकिन फाइनली मवी को इस बात से यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे. वो डॉट HP डिसाइडर हो गई. कनेक्शन कमाल का था. वो जो हेल्थ किट की बारी होती 75 HP यहाँ पे अगर होता तो शायद ये 1v1 का बैटल मवी यहाँ पे वापस से जी जाते. माए भाई, सी द ओनली रीजन I said this line in my segment कि टीम को वाटर सिटी पर उतनी अच्छी लूट कहीं बार नहीं भी मिल पाती. वो लूट के चक्कर में ही यहाँ पर मवी को डाउन होना पड़ा. बिकॉज अगर यहाँ पर फर्स्ट एड होती तो शायद फर्स्ट एड पॉप इन होती. बैंडेजेस का वहां पर यूज नहीं.